आज रिपब्लिक डे राइड हो रहा है। 4-5 रिवर का फ्लो क्रॉस करके जाना पड़ता है, बहुत ही एडवेंचरस है, बने रहिए। यहाँ से शुरू होता है लद्दाख का सफर। और ये देखो हाथी यहाँ से क्रॉस हो चुका है क्योंकि आया था यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज थोड़ा सा हम घूमने के लिए जा रहे हैं, मैं और राज और दो नए दोस्त ज्वाइन होंगे। आज कुलाडरा वाटरफॉल घूमने के लिए जा रहे हैं। तो संबलपुर से 60 किलोमीटर रेंज में है, 59 या 60 किलोमीटर है। पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। अभी मैं रेडी हो गया हूँ और आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। और अभी मेरे घर राज आने वाला है मेरे को लेने के लिए, और हम दोनों मिल के जाएंगे धनुपाली, क्योंकि धनुपाली हम लोग मीटअप पॉइंट रखे हैं। बाकी जो दो दोस्त हैं वो भी आएंगे उधर ही, आप लोगों को भी मिलवा लूँगा बाकी दोनों से। तो पहले राज आ जाए, उसके बाद निकलेंगे घर से। तो अभी राज भी आ चुके हैं, तो चलते हैं पहले धनुपाली। धनुपाली अभी हम धनुपाली नहीं पहुंचे, अभी हम पहुंचे हैं मानेश्वर, क्योंकि थोड़ा सा प्लान में चेंज हुआ। Hi guys, must follow this guy. और ये अनिमेश और रजत। Hi. और अभी राज थोड़ा पेट्रोल भरवा रहे हैं और ये लोग तो पहले से भरवा लेते हैं। राज हर समय रहते हैं, सभी ब्लॉग में रहते हैं। और आज जहाँ जाने में थोड़ा सा बता दो। तो एक्चुअली संबलपुर से 66 किलोमीटर दूर है और बहुत ही एडवेंचरस जगह है। और कुलाडरा वाटरफॉल, कुलाडरा वाटरफॉल 4-5 रिवर का फ्लो क्रॉस करके जाना पड़ता है, बहुत ही एडवेंचरस है, बने रहिए। और आज गाइड करने वाले हैं अनिमेश, ये हमारे गाइड। हाँ, फ्लैग होस्टिंग का भी इरादा है। हाँ, वहाँ झंडा गाड़ेंगे जाके। आज रिपब्लिक डे राइड हो रहा है और ओके। तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहो। अभी हम पहुंचे हैं किसिंडा, थोड़ा सा अच्छा व्यू मिला रोड का। फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए रुके हैं थोड़ा सा यहाँ पे, फोटो वगैरह थोड़ा सा क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे यहाँ से और कितना किलोमीटर, 30, थोड़ा सा फोटो वगैरह क्लिक करते हैं और उसके बाद आगे जाएंगे। बने रहिए ब्लॉग पे, बहुत अच्छा रोड है और बहुत तगड़ा लोकेशन है। बाय। अभी हम पहुंचे हैं किसकिंडा चौक, थोड़ा सा खाने के लिए रुके थे, खा लिया मैं और बाकी सब तो खा रहे हैं। अनिमेश, राज और अजय भी खा लिए होटल बजरंगी में। अच्छा लगा तो अच्छा है, एक नंबर। किसकिंडा देखे जा रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना, ये पेड़ लैंडमार्क है और ये होटल बजरंगी में, बड़ा ज़रूर टेस्ट करना, बहुत अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट तो नहीं, ब्रंच कर लिए, ब्रेकफास्ट विथ लंच और थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले लिए। यहाँ से निकल रहे हैं और वहाँ पे पहुँच के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट 7.5 किलोमीटर फ्रॉम यू विल बी एट द राइट स्पॉट, कुलाडरा वाटरफॉल। मीन्स बहुत करीब पहुँच चुके हैं, आगे चलते हैं। यहाँ से शुरू होता है लद्दाख का सफर। कितना वाटर क्रॉसिंग आएगा कि 5? अच्छा सर, अभी बाइक लेके देखते हैं कैसा रहेगा। पहले राजा जा रहे हैं। मैं भी सूज उतार लेता हूँ, मैं और अनिमेश यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। सामने थोड़ा सा सूज आ जा रहा होगा क्योंकि मैं दो सूज पकड़ा हूँ। फुल ऑफ एडवेंचर। ये आ गया हमारा सेकंड वाटर क्रॉसिंग, अभी हमारा दोनों बाइकर क्रॉस कर रहे हैं। पहला वाला इससे बड़ा था। राज अपना सूज खोलना भूल गए थे, एक पैर पानी में गया। एक्सपीरियंस टॉप है भाई लोग,
जरूर आना देखो यहाँ कुलाडरा वाटरफॉल। एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? बहुत सही था, हिलाने वाला ट्रू एडवेंचर। मिनी लद्दाख, संबलपुर का लद्दाख है ये। जरूर आए और गाड़ी जरूर भींगाए। और तीन क्रॉसिंग है। फिर से आ गया एक वाटर क्रॉसिंग, ये थर्ड वाला है। बट जगह बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा ट्रैवल गाइड बता रहा है बाइकर्स को कैसे लाना है गाड़ी। बट जगह क्या सही है भाई, ऑसम। संबलपुर आके ये नहीं देखा तो क्या देखा? What's up guys? और एक्सप्लोरर बॉय यहाँ है, सूज पहनते हुए। और ये बहुत बढ़िया लोकेशन है, अपने पैर को शर्ट पैंट पहना रहे हैं। You can see that guys, it's totally heaven. कोशिश आई जी बा। रिक्स मेरे को टोटली रिक्स लेना नहीं है। अभी एक भैया से बात हुआ तो इधर ही है, तो वो बोल रहे थे कि हाथी वगैरह हैं, तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है हमारा प्लान कैंसिल ना हो जाए। याद है तो हाथी वाला प्लान, अगर ब्लॉग देखते हो तो जरूर जानते रहोगे, एक प्लान कैंसिल हुआ था पहले भी हाथी के। मान गए तुसी ग्रेट, ये सबको ना बेस्ट जगह, बट थोड़ा सा दिल के अंदर डर है। हमसे साइज में भी बड़े हैं। अरे यार इन गंदा जीवा, इसको साइड करना पड़ेगा, रास्ते के बीचों बीच गिरा है ये पेड़। ये पीछे जो ऑफिस है, ये कलासुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ऑफिस है। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली और यहाँ से ट्रैक करके जाना पड़ेगा वाटरफॉल के पास। सामने तीनों जा चुके हैं, मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा पीछे रह गया। वो रहा वाटरफॉल, वो है वाटरफॉल। रजत कैसा लगा वाटरफॉल देख के? रजत और ये देखो हाथी यहाँ से क्रॉस हो चुका है क्योंकि आया था यहाँ पे, ओटी किया है। ये बीच में जो फट रहा था भाई, वो हाथी का सुन के हम कैसे जाएंगे, पहुँचेंगे कि नहीं, वो सब सोच ही लिए थे। बट आखिरकार वाटरफॉल के पास पहुँच गए हम लोग। पीछे वाटरफॉल, बट पानी बहुत कम आ रहा है क्योंकि वो लेयरिंग देख लो जो काला काला हुआ है, उतना लेयरिंग में पड़ता है पानी, तो कैसा लगता होगा। तो बहुत हल्का हल्का पानी आ रहा है, तो वहाँ से लेके वहाँ तक आता है पानी, तो वो मोटा वेव में गिरेगा तो कैसा रहेगा वाटरफॉल, वो थोड़ा सोच लो। जब पानी बहुत ज़्यादा होगा बारिश के टाइम में आना यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल इन कलासुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से भी थोड़ा सा देखते हैं नज़ारा कैसा है और आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि वो दोस्त लोग इधर पहले आए, मैं उधर गया था तो बोले वहाँ पे जाओ बहुत अच्छा नज़ारा है। ये देखो नजारा है, और हमारे जैसा इस टाइम में आओगे तो उतना ही पानी रहेगा। आप लोग ये सब देखने को मिलेगा, बट जगह तो सही है, पानी कम होने पर टेंशन नहीं है, जगह बहुत सही है। मैं बोलूँगा आप लोगों को जब संबलपुर में बारिश होगा अच्छे से तभी आना इधर, आप लोग अच्छा पानी देखने को मिलेगा वाटरफॉल में, तो फोटो वगैरह आप लोगों को अच्छा मिलेगा, रील वगैरह भी शूट करोगे तो अच्छा लगेगा। जो कोई भी आ चुका है ये वाटरफॉल में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट लेता हूँ और इस क्लिप के बाद ऐड करूँगा। और आज आपको सभी को दिखाता हूँ बहुत ही तगड़ा व्यू, बहुत ही आप देख सकते हैं टोटल ब्लू हेवन वाटर सीनरी। एक्चुअली हुआ ये गोप्रो में चार्ज खत्म, पावर बैंक में भी चार्ज नहीं है। मैं सोचा पावर बैंक में फुल चार्ज है, पकड़ के ले आया, यहाँ पे देखा तो
पावर बैंक खत्म हो गया है, तो गोप्रो में चार्ज खत्म हो गया, तो अभी फिर से राज के फोन में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। भी खत्म हो जाएगा ऐसा नेचर का मौसम है, तो वगैरह रील वगैरह सब शूट हो चुका है। ये खाएंगे हम लोग केला क्योंकि हम अकेला खा के फिर से निकलेंगे, और बीच में हाथी वगैरह का टेंशन भी है। हाथी मेरे साथी मूवी देखे हो तो आज हम रियल देखेंगे। जगह को अच्छे से एंजॉय कर लिए, अभी रिटर्न बैक टू होम जाने का टाइम आ चुका है। पीछे सब रेडी हो गए, रिटर्न गाड़ी के पास आ चुके हैं। अनिमेश को सब थैंक यू बोल दो इतना अच्छा जगह के लिए। और अभी रिटर्न बैक टू होम संबलपुर। और इस तरह का कुछ ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, फिर से हम अनिमेश को लेके आएंगे। कुछ नया जगह दिखाओगे आप? जरूर दिखाएंगे, ऐसा भी लगेगा। नेक्स्ट ये फर्स्ट वाला ट्रायल था। हाँ, ये ट्रायल के लिए हम लोगों को फ्री डेमो मिला है, उसके बाद पैसा देके जाना पड़ेगा हमको। प्रोमो कोड यूज करना animes55। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फिर अभी लास्ट वाटर क्रॉसिंग ही बचा है, उसके बाद बाय बाय, गुड बाय, टाटा सब कुछ बोल देंगे। ये बहुत प्यारा सा लोकेशन को रिटर्न बैक टू होम। अभी हम रिटर्न आके खाना वगैरह कंप्लीट हो गया है, मानेश्वर में ही है, अभी वापस घर। दोनों वो अपने रास्ते में जाएंगे, हम दोनों अपने रास्ते। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय मां सोमली, टिल देन ओके बाय।